नमस्कार, मैं प्रिया। आज 15 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना टीकाकरण से कोई नहीं रहेगा वंचित। नर्सिंग योजना की रिपोर्ट कार्ड हुई जारी। बिहार में अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। अगले 7 दिनों तक 6 घंटे बाधित रहेगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना टीके से कोई नहीं रहेगा वंचित। बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच बिहार सरकार अब ऐसे लोगों को टीका लगाने का काम कर रही है जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी प्रत्येक घर पर दस्तक देंगे और कोरोना टीका से वंचितों को टीका लेने के प्रति जागरूक करेंगे और टीका देंगे। इसके साथ ही कोरोना टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बिहार में स्कूल कॉलेज और हाट बाजारों में जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर जागरूकता टीम सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना टीकाकरण की अहमियत की जानकारी देगी और टीके को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति का निराकरण करेगी। वैशाली में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। बिहार में बेरोजगारी की समस्या बेहद ही आम बात है। वहीं बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत ही अब सरकार वैशाली में औद्योगिक विकास की राह खोलने वाली है। इसी कड़ी में वैशाली के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक उद्योग संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि सड़क, नाला, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को निपटाने के लिए ही बंद फैक्ट्रियों को जल्द चालू किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वैशाली में उद्योग के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो सकती है। अगर विधायक चाहे तो जमीन उपलब्ध कराएं, उनके क्षेत्र में सबसे पहले उद्योग लगाए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर के 173 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 173 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की गई है। आखिरी तारीख बीतने के बाद उम्मीदवार के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 173 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। UPPCL की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक होना चाहिए। सुखाड़, दूध की नहीं होगी कोई कमी। बिहार में हर साल कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो कई जिले सुखाड़ में। ऐसे में आम नागरिकों के सामने बहुत बड़ी परेशानी होती है खाने पीने की, जिसमें दूध ना मिल पाना मुश्किल बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब बिहार में किसी भी समय दूध की कमी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में दूध की जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार सरकार पशुपालकों को डेयरी पशु प्रबंधन का कोर्स कराने जा रही है। डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए गौ विज्ञान अनुसंधान नागपुर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल तथा सिलीगुड़ी में आश्रित बिहार पहली बार अपने यहाँ प्रशिक्षण देने का काम करने जा रहा है, जिसमें करीब 4,000 पशुपालकों को इसकी निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में इस तारीख तक पड़ सकती है ठंड। बिहार में ठंड का असर अब दिखने लगा है। दिन में के समय में ठंड और रात में ठंड का एहसास होने लगा है, और जिसके बाद बिहार में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि कश्मीर के पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी के कारण पारा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठंड पुरजोर तरीके से पड़नी शुरू हो गई है। 14 नवंबर की सुबह का तापमान इसकी तस्दीक है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक 20 दिसंबर तक यह सिलसिला गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड में तब्दील हो जाएगा। न्यूनतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगेगा। अधिकतम तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ पाएगा। 45 दिनों तक चलेगा बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान। बिहार में बिजली चोरों की अब खैर नहीं है, क्योंकि आज से लगातार 45 दिनों तक बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी अभियान जोर शोर से शुरू होने वाला है। बकाया रहने पर ऑन स्पॉट जमा नहीं करने वाले बकायेदारों का कनेक्शन कटेगा, साथ ही मीटर खराब पाए जाने पर उसे बदला जाएगा। इसके साथ ही आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की जांच भी होगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के MD संजीव बंसल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान की तैयारी पूरी की गई है। इस बार बिजली कंपनी रणनीति में बदलाव लाई है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं के मीटर तक अभियंताओं की टीम पहुंचेगी। मीटर के साथ साथ सर्विस वायर की भी जांच करेगी। नल जल योजना की रिपोर्ट कार्ड हुई जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का विस्तार पूरे बिहार भर में किया गया था, जिसके बाद अब जाकर के नल जल योजना की रिपोर्ट कार्ड सामने आई है।
इसके तहत ही शनिवार तक 100% घरों में योजना पहुंचाने वाली सूची बिहार में पिछड़ गई है। हालांकि बिहार के अधिकारियों की माने तो आंकड़ों में बिहार अभी 6 राज्यों से पीछे है और यह 99% यहां पर काम पूरा हो गया है। केंद्रीय जल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा, गोवा, दादर नगर और अंडमान निकोबार को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल किया गया है जहां रोजाना का 100% लक्ष्य हासिल हो चुका है। वहीं बिहार के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की उपलब्धियों को 90% बताया गया है। वहीं सिक्किम और महाराष्ट्र की उपलब्धि 70% है। ट्रेन से कम समय में कर सकेंगे रोड के रास्ते बिहार से दिल्ली तक का सफर। ट्रेन से कम समय में अब आप रोड के रास्ते दिल्ली तक का सफर आसानी से कर सकेंगे क्योंकि बक्सर से भोजपुर जिले के कोइलवर तक 4-लेन सड़क अगले साल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। वहीं कोइलवर से पटना जिले के बेहटा के बीच बन रहा 6-लेन पुल भी पूरी तरह जल्द ही चालू हो जाएगा। बक्सर पटना 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट के 3 हिस्सों में 2 हिस्से लगभग पूरे हो चुके हैं। फिलहाल इस पुल के एक तरफ की 3 लेन चालू है। अब इस प्रोजेक्ट का केवल एक हिस्सा दानापुर बेहटा 4-लेन का काम ही बच गया है। इस सड़क के रास्ते पटना से दिल्ली की दूरी ट्रेन से भी कम वक्त में पूरी होगी। बेहटा दानापुर के बीच बनने वाली एलिवेटेड सड़क के इस हिस्से के अब तक नहीं बनने से सड़क के रास्ते पटना से दिल्ली अभी भले ही दूर हो लेकिन बक्सर से यह दूरी ट्रेन से भी कम समय में पूरी होगी। कोविड-19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मरीजों की पुष्टि हुई है जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 25 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 1 और जहानाबाद में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,02,325 सैंपल की जाँच की गई। वहीं 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के अशोक स्तंभ वैशाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विभिन्न भारतीय स्थलों में फैले स्तंभों की श्रृंखला में से एक अशोक स्तंभ वैशाली बिहार में स्थित है। सम्राट अशोक ने इन सभी सिद्धांतों को एक खंभे पर उत्कीर्ण करवाया और इस प्रकार भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म को श्रद्धा और भक्ति समर्पित की। यह कॉलम कोल्हुआ में स्थित है और उच्च गुणवत्ता के एक पत्थर पर बना हुआ है। यह पत्थर लाल पत्थर है जो ऊंचाई में 18.3 मीटर ऊंचा है। स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल चित्र बना हुआ है। यह स्तंभ आज भी सुरक्षित और बरकरार है। यहाँ पास में एक छोटा सा टैंक स्थित है जिसे रामकुंड टैंक भी कहा जाता है। बिहार में अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार अब तक कई काम करती आई है। हालांकि बिहार में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करने से कतराती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है जिसके तहत कारखानों में महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालांकि इस दौरान महिला कर्मचारियों को जबरन आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसके लिए श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य नियमावली 2021 बनाई गई है। नियमावली के प्रस्ताव को श्रम संसाधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर 45 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति मांगी है। अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो नया श्रम कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा। फरवरी 2022 में पक्षियों की होगी गणना। भले ही बिहार में जातीय जनगणना ना हो सकी हो लेकिन अब कितनी प्रकार की पक्षियां बिहार में मौजूद है इस बात का आकलन जरूर किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार फरवरी 2022 में गणना करवाने जा रही है। इसके लिए हर जिले में कम से कम 6 बर्ड वॉचर तैयार किए जा रहे हैं। 2 साल में गणना को पूरा करने का काम किया जाएगा। बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पक्षी विज्ञानी योजना को धरातल पर उतारने में जुटे हुए हैं। इन सभी विशेषज्ञ जिलों में ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो पक्षी विज्ञान में डिग्रीधारी के साथ ही ऐसे कामों में रुचि रखने वाले हो। इसके साथ ही 2010-11 की बात करें तो सूबे में 5 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी आते थे। इसमें अकेले बेगूसराय की कांवर झील में 1.25 से 1.5 लाख पक्षी आते थे लेकिन अब पूरे सूबे में बमुश्किल 50,000 तो कांवर झील में 10,000 आसपास पक्षी। बिहार के एलिमेंट्री स्कूल से इन बच्चों का कटेगा नाम। बिहार के कई स्कूलों से बच्चों के 2 स्कूल में नामांकन लेकर दोहरा लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। उसके बाद अब 2 प्रारंभिक स्कूलों में दाखिला लेकर सरकारी योजनाओं का दोबारा लाभ लेने वाले बच्चों की पहचान आधार कार्ड से की जाएगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से ऐसे बच्चों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत बच्चों के आधार नंबर से नामांकन का मिलान कर ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी। इसके बाद वैसे बच्चों का नाम एक स्कूल से काटा जाएगा। फिलहाल मेधा सॉफ्ट पर जिन बच्चों की एंट्री हुई है वैसे बच्चों को विभाग की तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। खासकर कोविड-19 के माहौल में 1 से 8 तक के बच्चों को MGM का अनाज और इसके अलावा कन्वर्जन राशि बैंक खाते में भेजी जा रही है।
अगले 7 दिनों तक 6 घंटे बाधित रहेगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी रेलवे से यात्रा करने की सोच रहे हैं और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अगले 7 दिनों के दौरान 6 घंटे के लिए ऑनलाइन सेवा यानी कि रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली बाधित रहने वाली है। रेलवे मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी साझा कर दी है, साथ ही ये भी कहा है कि रात के कम व्यवसायिक घंटों के कारण टिकट बुकिंग की सेवा बंद की जाएगी। मेंटेनेंस की गतिविधि 14 और 15 नवंबर की मध्य रात्रि से 20-21 नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इन 6 घंटों की अवधि के दौरान कोई PRS सेवाएं वर्तमान बुकिंग रद्द करने समेत अन्य पूछताछ की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। शाहबुद्दीन की बेटी का निकाह आज। शाहबुद्दीन के बेटे के बाद आज उनकी बेटी हेरा शहाब का निकाह होने वाला है, जो कि सिवान में होगा। निकाह में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के कई नेताओं को शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। मिली जानकारी के अनुसार शादी को लेकर 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओसामा का सिवान के तिलहट्टा बाजार स्थित सिराज उल मदरसा में इस्लामिक रीति रिवाज से चांद पालीगांव की रहने वाली आफताब आलम की डॉक्टर बेटी आयशा के साथ हुआ। बिहार में बढ़े अपराध को लेकर तेजस्वी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्णिया के सरसी में कांग्रेस नेता की जान लेने और मधुबनी में पत्रकार और RTI कार्यकर्ता की जान लेने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही सूबे में बढ़ रहे अपराध के मामले को सामने में रखते हुए तेजस्वी यादव ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और राजद शासनकाल और नीतीश कुमार की सरकार के 15 वर्षों के अपराध के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने की सलाह भी दी है। राबड़ी के शासन में होता था फंसाने और बचाने का काम। पूर्णिया में जिला पार्षद अनुलेखा सिंह के पति विश्वजीत सिंह उर्फ रिंकू सिंह की जान लेने का मामला बिहार में तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चाएं तेज हो गई है। जहां एक तरफ इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार अपने बचाव के साथ ही विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे रही है। इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उनका अब केवल आरोप लगाने का ही काम रह गया है। रिंटू मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है, यदि विपक्ष के पास कोई सबूत है तो वो पुलिस को सौंपे, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक पुलिस के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने कभी किसी को फंसाने या फिर बचाने का काम नहीं किया है। यह फंसाने और बचाने का काम लालू राबड़ी के शासन में होता था। नीतीश कुमार के शासन में सबको इंसाफ मिलता है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अब महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है, जिसके तहत 29 नवंबर 2021 तक देशव्यापी जनजागरण अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और पदयात्रा किया जाना है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि वर्तमान में बिहार के सभी जिलों में पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम करना अभी संभव नहीं है। पहले चरण में नगर निकाय क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को किया जाना सुनिश्चित है। आचार संहिता खत्म होने के बाद द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए नगर निकाय क्षेत्र से जिला स्तर तक सभी शहरी क्षेत्रों में तारीख निर्धारित कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को भेजा गीता। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इन दिनों भाजपा लगातार कांग्रेस का घेराव कर रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद की खिताब में हिंदुत्व को लेकर लिखे गए तथ्य सत्ताधारी पार्टी को पसंद नहीं आए हैं। यही कारण है कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले गीता भेजने की बात कही थी, जिसके बाद बीते दिन गीता भेजने का काम भी कर दिया है। साथ ही संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को गीता पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गीता पढ़कर हिंदुत्व को सही रूप में समझेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह के हिंदुत्व पर हमले कर रही है, वैसी परिस्थिति में उन्हें हिंदुत्व का ज्ञान देना जरूरी हो जाता है। हम जानते हैं कि राहुल जी देश के सबसे बड़े कन्फ्यूज नेता है, इसलिए इतने दिनों तक देश में राजनीति करने और मंदिर मंदिर घूमने के बावजूद उन्हें हिंदुत्व का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं हो पाया। अपने राम से मिले चिराग। बीते दिन लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग ने अपने राम यानी कि PM मोदी से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। चिराग ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने PM से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और चिराग ने लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और PM मोदी ने उनका कुशलक्षेम पूछा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आत्मीयता और आजीवन संबंधों में बढ़ चढ़कर निवेश करने के प्रयास की वजह से पिताजी यानी कि रामविलास पासवान के सभी संबंध व्यक्तिगत थे। लोगों और उनके हितों से जुड़े रहने और अपनत्व का वही जज्बा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में भी देखा है। इसके साथ ही चिराग ने मुलाकात के बाद ही गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात भी कही है।
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें। हाल ही में जेल से बाहर आए राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बीते दिन शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। नितिन बराई नाम के एक व्यक्ति ने बांद्रा थाने में शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक जुलाई 2014 से अब तक मेकर्स SFL प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, काशिफ खान, दर्शित शाह और इनके साथियों ने धोखाधड़ी की है। इसको लेकर बराई ने पुलिस को बताया है कि उसने उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी। पुणे के कोरेगांव इलाके में जिम और स्पा खोलने के लिए 1.59 करोड़ का निवेश करने को कहा गया। बराई ने आरोप लगाया कि इन पैसों का शिल्पा और उनके पति ने अपने निजी खर्चे में उपयोग किया। गूगल का दूसरे वेरिफिकेशन हैकर्स का खतरा करेगा कम। इन दिनों साइबर अपराध के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गूगल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए गूगल ने हाल ही में नया नियम लागू किया है, जिसके तहत टू स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया गया है। यही कारण है कि गूगल अकाउंट के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी है। यह प्रोसेस उन अकाउंट्स के लिए शुरू किया गया है जो ठीक तरह से कन्फिगर होते हैं। ठीक प्रकार से कन्फिगर हुए अकाउंट्स वो होते हैं जिनके पास एक फोन नंबर या दूसरा ईमेल एड्रेस होता है, या फिर गूगल नोटिफिकेशन पाने के लिए एक स्मार्टफोन सेट किया जाता है। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि अकाउंट ठीक प्रकार से कन्फर्म हुआ है? आप अपने गूगल अकाउंट का सिक्योरिटी चेकअप करके इसका पता लगा सकते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीती T20 वर्ल्ड कप। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। 173 रन के लक्ष्य को कंगारुओं ने 18.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल मार्श ने सर्वाधिक नाबाद 77 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए। कीवी टीम की तरफ से 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने कप्तानी पारी खेली और सर्वाधिक 85 रन बनाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय 1830 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। महात्मा गांधी की जान लेने के दोषी नाथुराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे की 1949 में उन्हें सजा दी गई। झारखंड सन 2000 में भारत का 28वां राज्य बना। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बाई वेणुगोपाल रेड्डी को 2008 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया। योगेंद्र मकबाल ने 2008 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में आज के दिन हुआ था। हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में आज के दिन हुआ। पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाज नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का निधन 1938 में आज के दिन हुआ था। और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ा इतने साल। बिहार सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया है, क्योंकि अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख का कार्यकाल 2 साल का ही होता था। लेकिन अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों ही अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के अनुसार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसी के प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर जस्टिस एलएन ड्राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में निर्णय लिया था, जिसमें अदालत ने कहा कि एक्सटेंशन केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजय कुमार, राजेश कुमार, जीके प्लस, अखिलेश यादव, शंकर मुखिया, श्याम कुमार, माहियानंद, संतोष कुमार, अमरेंद्र कुशवाहा, प्रभात कुमार, दिव्यांशु कुमारी, दुर्गा प्रसाद, नन्नू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपने COVID-19 से बचाव के लिए टीके का दोनों डोज ले लिया है या नहीं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।